अब जाके सामान खरीद रहे भाई, वरना आधे घंटे से ज्यादा हो गया मैं बैठा। सो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग्स। सो गाइस, आप जानते होंगे कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, तो फिलहाल उसके नुक्ते फुकते के लिए भाई हम कुछ बर्तन या साग सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बड़ौदा, और वहां से अपने बर्तन रहा जैसे पत्थर डोना और जैसे कोई मसाला कुसाल जैसे सिस्टम रहे, हम वहाँ से लेकर आएंगे बड़ौदा से। सो गाइस चलते हैं अपने सामान लेने के लिए, और एक ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर में जाएंगे, कम से कम 4-5 जने तो चलेंगे बड़ौदा। सो गाइस आप सामने देख सकते हो ट्रैक्टर भी आ चुका है, ये ठेली खड़ी है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बड़ौदा, और आप देख सकते हो हम यहाँ से अपने मतलब पत्थर वगैरह खरीदेंगे। और आप सामने देख सकते हो ये बाबा है, और ये जो नीचे झुका ये मेरे पिताजी है। और आप बड़ौदा का देख सकते हो, ये बाहर का सीन है बड़ौदा का। और ये ट्रैक्टर भाई, ट्रैक्टर और ठेली, वो ट्रैक्टर और ये ठेली जी भी देख सकते हो मैं कैसे बैठा हूँ ठेले के ठहरा पे। यहाँ पर हर चीज़ की दुकान है, यहाँ पर समोसा है, गोंदी वगैरह जो जली वगैरह होती है सब कुछ की दुकान है यहाँ पर भाई। कितने सारे ड्यू भाई साहब, भाई मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो भाई, पीछे का व्यू, मैं ठेले पे हूँ ठेले पे, और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो। कोई ट्रक जा रहा, कोई कुछ जा रहा भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड है बहुत। तो कैसे आप ये दुकान देख रहे हो भाई, ये दुकान एक बंदे के यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक भाई एक बंदे की दुकान है। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है भाई, हर चीज़ खाने पीने से लेकर और ब्याह शादी के वर्कर वाले और नमक के कट्टे और जैसे मतलब हर चीज़ का भोजन मिल जाता है, गुड़ वगैरह जन क्या क्या आइटम भाई मुझे भी नहीं पता, जो जो मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रहा मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे आप चाउमीन वगैरह देख सकते हो सामने, चाउमीन रखे भाई यहाँ पर, चाउमीन जैसी चाउमीन फनी दिन क्या क्या चीज़ भाई पता नहीं, चीनी कट्टे रखे हैं सामने देख सकते हो। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, और अभी आप देख सकते हो ये एक टेम्पो है, यहाँ पर ड्यू आई है, मैं दिखा दूँ ये फैला रहा ड्यू। यहाँ पर बहुत सारे मतलब एक ठेली खल जाते हैं कि पूरी ठंडा खाली हो चुकी, बस ये दो तीन रही है, बाकी पूरी क्रेक खाली हो चुकी है, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है भाई। अब हमारा नंबर आया सामान खरीदने का, मैं आपका भी दिखाता हूँ, मेरे पापा और जो भी बूढ़े बुजुर्ग आए भाई वो सामान खरीद रहे हैं। अब जाके भाई मेरे पापा और भी जो आए थे हमारे साथ वो देख सकते हो ये रहे, अब जाके सामान खरीद रहे भाई ये, वरना आधे घंटे से ज़्यादा होगा भाई हमें बैठे बैठे। भाई मैं आपको एक बात और बता दूँ, अपना भारत देश कुछ ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कचरा पाया जाता है, और मतलब यहाँ पर यार कोई कचरे इकट्ठे करते, देख सकते हो आप चारों तरफ देखो भाई कचरा ही कचरा भाई। यहाँ पर देखो तो नू ही पड़े कचरे, और चिड़िया देख कैसे डोल रही है, हर जगह देखो भाई कचरा, कोई मतलब ये नहीं करता कि भाई यहाँ पर साफ कर दे या इसे डस्टबिन में डाले, कुछ नहीं भाई, जहाँ कचरा पड़ा है तो वहीं पर पड़ा रहेगा, साफ नहीं हो सकता बिल्कुल भी भाई, भारत का तो यही नुकसान होगा। और देश और कंट्री में जाकर देखो भाई, वहाँ पर मतलब हर चीज़ की साफ सफाई पाएगी, हर चीज़ की, वहाँ पर जैसे बाहर की कंट्री है जैसे अमेरिका वगैरह कंट्री है जैसे ब्राज़ील जैसे मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ पर, वहाँ का देश तो बिल्कुल साफ पाया जाता है। और अपना भारत देश ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा कचरा पाया जाता है और नहीं बिखरे रहता है कचरा। तो गाइस मैं आप सब से यही कहना चाहूँगा भाई, अपना कचरा भाई डस्टबिन में डालो, और कहीं ऐसी जगह पटको जहाँ पर कहीं कचरा फैला हुआ ना देखे रोड पर, तो प्लीज़ यार अपने भारत को साफ रखना है बिल्कुल, प्लेट स्वच्छ अभियान। अपने पत्तल भी आ चुके हैं, आप सामान देख सकते हो सामान कितना हो गया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे पास रुपए होंगे, चले कुछ खा लेते हैं एक बार भाई, इस अंकल से खाएंगे भाई समोसे कचौरी खाएंगे इस अंकल से भाई, हमारी कचौरी भी आ चुके हैं, चले एक बार इसे खा लेते भाई। हमारा खाना पीना भी हो चुका है भाई, बड़ी टेस्टी थी यार कचौरी, आनंद आ गया खाने में। अभी ठंडा खुलवाए बूढ़ा ने सब ठंडा खुलवाए मिरिंडा। गाइस हमने सामान ले लिया है फिलहाल, अब चलते हैं, और बाकी और सामान बाद में लेकर आएंगे, फिलहाल अब हमारे पास इतना ही सामान भेड़ा हुआ है, बाद में और सामान ले लेंगे। अभी हमने इतना सामान खरीदा है, बाकी थोड़े से आगे खरीदेंगे, फिलहाल हम घर चलेंगे एक बार। रख रहा हूँ। सो गाइस हम आ चुके हैं बड़ौदा से,
आई होप इन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपके ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए